डिजी लॉकर से वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है डिजी लॉकर, तो मैं यहाँ पे डिजी लॉकर टाइप कर लेता हूँ और इसको सर्च कर लेना है। फर्स्ट में जो आपको दिखाई दे रहा है डिजी लॉकर, इस पे आपको क्लिक कर देना है और इस तरह से आपके सामने खुल के आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पे साइन इन कर लेना है। अगर आपने यहाँ पे अकाउंट बना के नहीं रखा है तो आप यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करके यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स डाल के यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। इसके बाद आपको बैक आ जाना है, तो मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ और इसमें अपना साइन इन कर लेता हूँ। मैं इसमें मोबाइल नंबर या आधार कार्ड नंबर डाल के यहाँ पे और अपना पासवर्ड डाल के यहाँ पे मैं साइन इन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं साइन इन पर क्लिक कर लूँगा। यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, आपको यहाँ पे OTP एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको सबमिट कर लेता हूँ। जैसे आप सबमिट करोगे इस तरह से आपके सामने डिजी लॉकर ओपन हो जाएगा। आपके इशू डॉक्यूमेंट्स सबको ऊपर भी शो कर रहे हैं, यहाँ से आप जो है डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड भी कर सकते हो। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना। इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है सर्च डॉक्यूमेंट्स, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपको सी ऑल पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पे ढूंढ लेना है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यहाँ पे आपको, तो ये रहा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मैं इस पर क्लिक कर लूँगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने दोनों वैक्सीन सर्टिफिकेट आ जाएंगे, नेशनल और इंटरनेशनल वाले। आपको जो भी डाउनलोड करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो मैं सिंपल यहाँ पे नेशनल वाले पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएगी, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल, फीमेल, आपका जेंडर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको बेनिफिशरी आईडी आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको जाना है कोविन पोर्टल पर। कोविन पोर्टल पे आपको चले जाना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है वैक्सीन सर्टिफिकेट, इस पर आपको क्लिक करना है डाउनलोड सर्टिफिकेट पे। यहाँ पे आपको आपकी बेनिफिशियरी आईडी मिलेगी, आपको अपना नंबर डालना है जो भी आपने दिया हुआ है कोविन पोर्टल पर। यहाँ पे गलत हो गया, मैं फिर से यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। इसके बाद आपके नंबर पर OTP भेजा जाएगा, आपको यहाँ पे OTP एंटर कर लेना है। OTP मेरे नंबर पे आ चुका है, मैंने यहाँ पे OTP एंटर कर लिया है। यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर लूँगा तो यहाँ पे OTP जो है मिसमैच है, मैं फिर से यहाँ पे एक बार चेक करके फिर से इसमें एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे OTP मैंने डाल दिया है, आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी आईडी आपको नज़र आ रही होगी, रेफरेंस आईडी यहाँ पे, इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो मैंने इसको यहाँ से कर लिया है कॉपी। कॉपी करने के बाद वापस आपको जाना है डिजी लॉकर में, यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ पे गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। थोड़ा वेट कर लेना है, यहाँ पे आपके सामने इशू हुए डॉक्यूमेंट सारे आ जाएंगे। अब देख पा रहे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मेरा सर्टिफिकेट इशू हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके मेरा वैक्सीन सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। देख पा रहे फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा सर्टिफिकेट आ चुका है। तो इस तरह से आप डिजी लॉकर के ज़रिए अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में एक बार जरूर से शेयर करना। तो साथ ही मिलेंगे एक नए वीडियो में। गुड बाय।